हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और हम लोग तैयार हो चुके हैं और आंगन में इसलिए खड़े हैं क्योंकि बाहर पूरे जूते उतर पहन के कंप्लीट तैयार हो चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं मीटिंग में। और आज अपनी बाइक से नहीं जाएंगे, आज जा रहे हैं हम टैक्सी से। तो गाड़ी बुलवा ली है, हमारे घर से थोड़ा सा 5 मकान आगे रोड आती है, मेन रोड, वहाँ पर गाड़ी खड़ी है। अब हम लोग निकल रहे हैं और पहुँचते हैं मीटिंग में और रास्ते में आपसे बात करते हैं। मम्मी खड़ी हैं, दरवाज़ा बंद करेंगी और बहुत धूप है। चलो हम लोग निकल रहे हैं और आपसे रास्ते में बात करते रहेंगे। ये आ गई हमारी गाड़ी, चलते हैं गाड़ी में। तो गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब मीटिंग में जा रहे हैं और मीटिंग में बस मुश्किल से 10 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले हैं। एमरजेंसी मीटिंग है और तो पूरी प्रोटेक्ट होके ही जाइए। आज हम लोग मोटरसाइकिल से इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी और थकान बहुत ज़्यादा आज हुई थी, तो हमने टैक्सी बुलवाई है, टैक्सी में जा रहे हैं और इसी से रिटर्न वापस आएंगे फिर से। गाइस, मीटिंग हो गई है कंप्लीट, अब जा रहे हैं घर और इसके बीच में मार्केटिंग कर ली है। ये देखिए सामान पूरा भरा है और पीछे ऑटो में ही बहुत सारा सामान लेके आ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति पता नहीं कि कब तक बढ़ेगी, कुछ नहीं कह सकते। तो सामान पूरा पैक कर लिए हैं और से सामान से टेंशन फ्री, घर में सामान भर देंगे, खाना पीना आराम से बढ़ता रहेगा, हम लोग घूमते रहेंगे और आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। आज बहुत दिन बाद अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ड्यूटी पे ऑन टाइम है और शहर का नज़ारा भी अच्छा है। कोरोना है परंतु ठीक दिख रहा है माहौल, खाली है सड़कें रोड, माहौल ठीक है, कोई टेंशन वाला माहौल नहीं है। अभी भी हम लोग भी पूरी तरह से प्रोटेक्शन में चल रहे हैं और गाड़ी से आज कर ली थी क्योंकि बहुत सारा सामान खरीदना था आज, तो इस प्रकार से सामान पूरा भर लिया। पीछे ऑटो में भी आ रहा है, अब हम सीधे घर ही जा रहे हैं और रास्ते में आपको नज़ारा दिखाते हैं। शाम हो चुकी है तो शाम का नज़ारा आप लोग देख लीजिए रोड पर कैसा दिख रहा है माहौल। थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं, बाकी ज़्यादा मार्केट भरा हुआ नहीं, सब मार्केट सील है पूरा। तो मैं दिखाता हूँ आपको रोड का नज़ारा। हमारे ऑटो वाले भाई साहब पीछे रह गए हैं, अब उन्हीं को रोक के हम देख रहे हैं कि कहाँ फंस गए हैं ट्रैफिक में, कहाँ पर रुक गए हैं। तो वो आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ पीछे दिख रही है। ये रेड ऑटो आ गई है,
अब उनको पहले आगे निकालते फिर हम लोग पीछे पीछे जाते, क्या पता वो रास्ता ना भटक जाए। तो चलो चलते हैं। हे गाइस, शाम को जब मार्केटिंग से हम लोग आए, इतना सारा सामान खरीद लिए थे आज हम लोग ने, ऑटो में भर के लाया और बोलेरो के पीछे की पूरी सीट पे सामान भर रखा था, उसको खाली करने करने में 3 से 3.5 घंटे लग गए और हालत हो गई पंचर। तो बिल्कुल यार, इतनी सारा सामान हमने खरीदा, लॉकडाउन रखकर मैं आज बंद, एक हफ्ते बंद, फिर आगे बंद, अब दुकान भी नहीं मिल रहा है। मम्मी ने परसों मेरे को दिन में उठा के बोले चावल लेके आओ, अब चावल लेने जाओ तो आधे घंटे लाइन लगाओ पड़ा किराना स्टोर में, तब चावल मिल रहा है। तो मैंने आज जाके इतना सारा सामान खरीद दिया, पूरा लगभग लगभग मैं 10 से 10-11 महीने का सामान पूरा खरीद दिया, दाल चावल शक्कर तेल सब कुछ खरीद के ले आया और पूरे घर में उसको खाली करके शिफ्ट करने करने में, क्योंकि ऐसे रख देंगे तो सब सामान खराब हो जाएगा, तो उसको शिफ्ट करने करने में 3.5 घंटे लग गए और हालत हो गई बिल्कुल पंचर। तो भैया अब तो खाना 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 बनाने या खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही। तो मम्मी बोल रही थी कि आलू के पराठे बनेंगे तो उसके बाद डिनर करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा कि अब सो जाओ, खाना खाने तक की इच्छा नहीं है, पर खाना खा लेंगे तो बढ़िया। क्यों मम्मी, इतना सारा सामान देख के कैसा लग रहा है? एक बोलेरो के पीछे की पूरी सीट कार्टून से भरी थी और पूरी एक ऑटो सामान से भर के लाए हम लोगों ने। मम्मी बोली इतना सारा सामान क्यों खरीद लिया? हमने बोला रोज रोज लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, फिर बोलो कि चावल लिया शक्कर लिया, तो दुकान में कब तक ऑनलाइन लगाएगा। तो एक पहचान की दुकान थी, वहाँ पूरा दुकान खुलवाया, पूरा सामान भर लिया हम लोगों ने होलसेल जगह से। तो अब मम्मी कभी ये नहीं बोलेंगी कि दोपहर में जाके लेके आओ, मम्मी को सो गए, बोले इतना सारा सामान घर में एडजस्ट कैसे करेंगे, 3.5 घंटे तो एडजस्ट करने में लग गए और हालत देखो, शक्ल देखो मेरी, इतना थकान लग रही शक्ल पे, बाप रे बाप, हालत पंचर, हाथ तो पूरा शून्य टाइप के हो गए यार, बोरी उठा उठा के शक्कर के पैकेट बना बना के रखना पड़ेगा, चीनी लग जाएगी पूरे में। तो चलो मम्मी अब आलू के पराठे बना दो, तो फिर आलू पराठे खा ले भैया, आलू के पराठे खाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। आज हमारे घर में बने हैं आलू के पराठे डिनर में, मैं आपको दिखाता हूँ क्रंची आलू का पराठा। ये देखिए, आज हमारी मम्मी ने आलू के पराठे बनाई हैं, मम्मी भी खा रही हैं, डिनर कर रही हैं, भैया भी कर रहे हैं, पापा जी भी खा रहे हैं, पूरा परिवार खा, परिवार खा रहा है और हम लोग सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं और बहुत शानदार बना पराठा। अब मैं टेस्ट भी कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया मम्मी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया मजा। मम्मी ने तो बहुत मस्त पराठे बनाई हैं और आज इसमें तो चटनी वटनी की भी जरूरत नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है, चटपटा नहीं पड़ती ना, बहुत अच्छा लग रहा है, चटपटा वाला बनाएंगे। और चटनी के साथ खा तो आलू के पराठे का स्वाद नहीं आता, नहीं वो प्लेन आलू का पराठा रहेगा ना, मसाला आलू पराठा, हाँ तो उसके साथ चटनी अच्छी लगती है, पर इन चटपटा मसाले के साथ में है तो परफेक्ट लग रहा है, एक नंबर स्वाद, बहुत मजा आ गया। चलिए मैं डिनर करता हूँ और आपसे थोड़ी देर बात करता हूँ। हे गाइस, हो गई है बहुत रात, वीडियो एडिट हो चुकी है, मुझे आ रही है बहुत नींद, पर मैं वीडियो लोड करके ही सोऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।